गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड क्लास, दिस इज़ योर मैथ्स बुक एंड वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 11 मेजरमेंट्स। क्लास, इन दिस चैप्टर यस्टरडे यू विल लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट्स, दैट हाउ डू वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स और आर बॉडी पार्ट्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू मेजर द लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। ओके, यस्टरडे यू विल लर्न अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, किसी भी चीज़ की लेंथ को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। ओके, सो टुडे द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट थिंग इज मेजरमेंट ऑफ मास और वेट। इट मीन्स हाउ टू मेजर एनी मास थिंग, मीन्स वेट, किसी भी चीज़ का वेट अगर करना हो, भार हो कोई चीज़ का। जैसे अभी तक तो हम लोगों ने लेंथ पढ़ा, किसी चीज़ की लंबाई हो, लेंथ, तो हम कैसे मेजर करते हैं। बट इन दिस टॉपिक यू विल लर्न अबाउट हाउ टू मेजर द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की कोई वेट हो, भार हो, वजन हो, तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं। ओके, इन दिस द फर्स्ट यूनिट इज नॉन स्टैंडर्ड। ओके, जस्ट लाइक द लेंथ, इन मेजरमेंट ऑफ वेट ऑल्सो द फर्स्ट थिंग इज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। Many things can be weighed in a balance with the help of objects around us, such as stones, beads, marbles, blocks, cubes, etc. Such objects are non-standard units of mass or weight because the weight of these objects differs. Okay, just like the measurement of length, the first unit is non-standard, which is not fixed. ओके, विच इज़ नॉट कन्फर्म, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट ऑफ लेंथ में था कि अगर कोई हम लोग अपने बॉडी पार्ट से साइज करते हैं, ठीक, तो किसी की लंबाई चौड़ाई अधिक हो सकती है, कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, सबके अलग अलग होते हैं ना। जस्ट लाइक दैट नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास यूनिट्स आर डिफरेंट। इन दिस वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू मेजर द मास और वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक, कुछ तरह की चीज़ों को हम लोग यूज़ करके हम उसका मेजरमेंट, उसका जो वेट का मेजरमेंट होता है कि वो कितना भारी है वो चीज़, उसको हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, हर चीज़ का जो वेट होता है अलग अलग होता है ना सबका। जैसे अब मान लो कोई चीज़ को हम लोग मेज़र करें स्टोन से, तो क्या सारे स्टोन एक ही साइज़ के होते हैं? नहीं ना, कोई हल्का होता होगा, कोई भारी होता होगा। ठीक, किसी भी तरह की बीड्स यूज़ करें या मार्बल्स, ठीक, कुछ भी हम किसी भी चीज़ का अगर यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के वजन को तौलने के लिए। जैसे हम सामान तौल के लेते हैं ना, किसी दुकानदार के पास गए, कोई भी खाने की चीज़ लिए, ठीक, जैसे ग्रेन्स हुआ, राइस हुआ, ओके, तो या वेजिटेबल्स हुआ, फ्रूट्स हुआ, तो दुकानदार तौल के देता है ना उसके वेट करके, तो जिससे भी अगर तौलता है तो अगर वो नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक ना। जैसे आप लोग कभी कभी देखे होगा सब्जी मंडी में कुछ जो शॉपकीपर होता है वो कुछ स्टोन पत्थर रख करके अपने सब्जी को तौलते हैं, तो वो क्या हुआ, वो नॉन स्टैंडर्ड, क्योंकि उसका वेट फिक्स नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का, हर स्टोन का जो वेट होता है वो अलग अलग होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। जिसका क्यों, क्योंकि सबके साइज अलग अलग होते हैं, सबका वेट अलग अलग होता है, फिक्स नहीं होता है। In these pictures, you can observe that the mass or weight of the math book or mangoes differs when different non-standard objects are used. We therefore need standard units. Okay? What is non-standard? In which we find different type of weight. अगर हम लोग किसी भी चीज़ को वेट कर रहे हैं, ठीक, मान लो हमको अपनी मैथ की बुक को ही वेट करना है, ठीक, तो अगर हम क्या है, किसी भी चीज़ से उसको मेज़र करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, वेट ऑफ मास बुक इज इक्वल टू 11 ब्लॉक्स, ठीक। अब यहाँ पे जो मैथ की बुक है इसको वेट किया गया तो 11 ब्लॉक्स के बराबर है वो, ठीक। लेकिन हो सकता है कि सारे ब्लॉक्स एक साइज़ के नहीं हो, ठीक, मान लो दूसरा बच्चा उसको वेट कर रहा तो उसके ब्लॉक्स छोटे हों या बड़े हों, हल्के हों, भारी हों, तो उसका अलग अलग हुआ ना मेज़रमेंट, उसका जो नाप है अलग अलग हुआ ना, इसीलिए इसको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स कहा जाता है। ओके, हियर वेट ऑफ मैथ बुक इज इक्वल टू 12 बॉल्स। अब देखो यहाँ बॉल से मेजर किया गया तो यहाँ 12 बॉल्स आ रही हैं, तो अलग हुआ ना। नेक्स्ट इज वेट ऑफ 3 मैंगोज इज इक्वल टू 4 स्टोन्स। अब देखो यहाँ पे 3 मैंगोज हैं इज इक्वल टू 4 स्टोन्स,
और यहाँ पे वेट ऑफ 3 मैंगोज इज इक्वल टू 9 बॉल्स. यहाँ पे क्या था, 3 मैंगोज इज इक्वल टू 9 बॉल्स. तो सब में अलग अलग दिखा रहा है ना, सब में इक्वल नहीं ना शो कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अनइक्वालिटी और डिफरेंस ऑफ मेजरमेंट वी हैव टू यूज फिक्स्ड और स्टैंडर्ड यूनिट्स. ओके, इसमें वेट में अलग अलग है ना, तो इसीलिए हमको जो फिक्स अगर वेट हमको चाहिए, कंफर्म और राइट वेट चाहिए, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, स्टैंडर्ड यूनिट्स की. ओके, द सेकेंड थिंग इज स्टैंडर्ड यूनिट्स. वी बाय सेवरल थिंग्स सच एज आटा और वीट फ्लोर, राइस, शुगर, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा बाय वेट. ओके, वेन एवर वी गो टू एनी शॉपकीपर टू बाय ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस जनरल थिंग्स. ओके, दुकानदार के पास हम लोग जाते हैं तो जो रोज की चीज़ें हैं, जैसे राशन की चीज़ें, आटा हुआ, चावल हुआ, दाल हुआ, चीनी हुआ, या सब्जी हुआ, फ्रूट्स हुआ, तो ये सब चीज़ लेने के लिए दुकानदार तौल के देता है ना, वेट करके देता है ना. कैसे दे देता, उठा के ले ले जाओ, जितना तुम्हारा मन है ले जाओ, नहीं ना, वेट करके देता है ना. और वो जो मेजरमेंट यूज़ करता है, जो उसके वो होते हैं ना बटखरा जिसको कहते हैं, होता है अलग अलग ग्राम का, सारे साइज का अलग अलग, 100 ग्राम का अलग होता है, 50 ग्राम का अलग होता है, ठीक, 500 ग्राम्स का अलग होता है, 1 kg का अलग, ठीक. तो जितना सामान हमको चाहिए वो उसको वेट को यूज़ करके वो हमको मेजर करके तब देता है. इन ईच केस द शॉपकीपर वेज द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और अ बैलेंस एंड ब्लॉक्स कॉल्ड वेट्स. ओके, फॉर ऑल दिस मेजरमेंट द शॉपकीपर यूज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और ब्लॉक्स कॉल्ड वेट्स. ठीक, वो दो तरीके के वेट को यूज़ करता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. ठीक, आप देखे होगे ना दुकानदार के पास एक मशीन की तरह होता है, उस पर सामान रख देता है और वो अपने आप मीटर की तरह शो करता है कि हाँ जो आपने सामान रखा वो कितना है, कम है, ज़्यादा है, जितना भी आपको लेना वो उससे मेज़र करके फिर आपको देता है. और एक होता है तराजू की तरह से, आप देख रहे हो तराजू, ठीक, तराजू की तरह भी होता है, ठीक, उसमें वो बटखरा रखता है एक साइड में और जितना सामान आपको चाहिए मेज़र करके देता है. तो ये दो तरीक़ों से शॉपकीपर आपको मेज़र करके सामान देता है. Now here in this picture you can see a balance, तराजू. देखे हो ना दुकानदार के पास जब भी किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, या फ्रूट्स, जो फ्रूट सेलर होते हैं, वेजिटेबल सेलर होते हैं, तो लोग यूज़ करते हैं ना. सो दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस, तराजू. एंड दिस इज स्टैंडर्ड वेट्स बिकॉज देयर वेट इज फिक्स्ड. ओके, जितने भी होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, कि जितने भी 500 ग्राम के जितने भी बटखरे होंगे वो सबके सेम ही होंगे. यानी कि मेरा वाला 500 ग्राम का तो तुम्हारा कम या ज़्यादा, सारे एक ही शेप मतलब होते हैं, ठीक ना, वो कम या ज़्यादा नहीं होते, फिक्स्ड वेट होते हैं वो. ठीक, दीज फिक्स्ड वेट्स वेट्स आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास. मास मीन्स वेट, किसी भी चीज़ के भार को तौलने के लिए हम इस मेजरमेंट का यूज़ करते हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मास आर ग्राम एंड किलोग्राम. ओके, वॉट इज द मोस्ट कॉमनली स्टैंडर्ड यूनिट्स इज ग्राम और किलोग्राम. ग्राम इन द मिनिमम साइज और किलोग्राम इन द मोस्ट टॉप साइज. ओके, सबसे जो छोटा स्टार्टअप होता है वो ग्राम में होता है. ठीक, कम से कम हमको जितना भी ग्राम लेना तो कम से कम वो ग्राम में होता है. जैसे मीटर और किलोमीटर होता है ना, सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर. तो उसी तरीके से सबसे कम सामान भी अगर हमको लेना है तो वो ग्राम में रहेगा, और ज़्यादा सामान लेना है तो वो किलोग्राम में होता है. ओके, ग्राम. वी मेजर द मास ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट्स. लाइटर ऑब्जेक्ट मतलब थोड़ा मोटा सामान लेना है हमको, ठीक, तो वो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होता है, तो वो ग्राम में मेजर किया जाता है. लाइक टॉफीज, पॉपकॉर्न एट्सेट्रा इन ग्राम्स. इन शॉर्ट ग्राम इज रिटन एज जी. व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ ग्राम, जी. ओके, एंड किलोग्राम. वी मेजर द मास ऑफ द हैवियर ऑब्जेक्ट्स सच एज अ बैग ऑफ सीमेंट, वीट एंड राइस इन किलोग्राम्स. ओके, Whenever we want to buy any heavy things, जब कभी भी हम लोग कोई भारी चीज़ खरीदते हैं तो जो उसका जो वेट होता है ना वो किलोग्राम में होता है, ठीक ना. उसके बाद इन शॉर्ट किलोग्राम इज रिटन एज के जी. द शॉर्टकट ऑफ किलोग्राम इज के जी एंड शॉर्टकट ऑफ ग्राम इज जी. देर आर 1000 grams इन अ किलोग्राम. ओके, 1000 grams इज इक्वल टू 1 kg. ओके,
1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम्स. ओके, सम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग मास. नाउ हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर आर सम मेजरमेंट्स ऑफ मेजरिंग मास. ये कुछ अलग अलग तरह के तराजू देख रहे हो ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सामान को या किसी भी चीज़ को तौलना है, अगर मेज़र करना है तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं. ठीक ना. नेक्स्ट थिंग इज हियर नो एक्सरसाइज नंबर 11.2. द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट फॉर वेइंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स. लास्ट हियर इन दिस क्वेश्चन देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स. वी हैव टू टिक मार्क और चूज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. ठीक, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, वो हमको मेज़र करके बताना है कि अगर हम उसको तोलते हैं तो उसका क्या होगा, ग्राम में होगा कि किलोग्राम में होगा. ओके, सो द फर्स्ट पिक्चर इज लाइक वीट. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू बाई दिस थिंग सो वी विल बाई इन किलोग्राम. अगर हमको ये चीज़ खरीदना है तो किस में होगा, किलोग्राम में. नेक्स्ट इज फ्लावर, सो इट्स अ लाइटर थिंग सो इट विल कम इन ग्राम. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज दिस, शिमला मिर्च, सो इफ यू वॉन्ट टू बाई दिस सो इट विल कम इन ग्राम. ओके, नेक्स्ट अ बुक, अगेन इट विल कम इन ग्राम. ओके, नेक्स्ट चिली, सो इफ यू वॉन्ट टू बाई दिस इट विल कम इन ग्राम. एंड नेक्स्ट टॉय, अगेन इन ग्राम. ओके, सो क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीटेड. सेकेंड इज राइट डाउन द वेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स. क्लास हियर इन दिस क्वेश्चन देयर सम ऑब्जेक्ट्स, वी हैव टू राइट देयर वेट. जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं ठीक, उसका हमको वेट देख करके बताना है कि उसका वेट क्या है. सो हियर देयर सम एप्पल्स एंड द वेट इज 700 ग्राम. ओके, हियर यू कैन सी दिस मेजरमेंट, ये जो बटखरा देख रहे हो ना, तो कितने ग्राम का है, 700 ग्राम्स. ओके, नेक्स्ट इज शुगर, सो व्हाट इज द वेट, 3 kg. द वेट ऑफ द शुगर इज 3 kg. नेक्स्ट स्नैक्स पैकेट, सो द वेट इज 100 ग्राम. क्लियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग मोर और लेस. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू राइट मोर और लेस. ओके, कम है कि ज़्यादा, ये हमको बताना है. ठीक ना. सो द फर्स्ट इज वेट ऑफ द राइस इज डैश देन द वेट ऑफ द दाल. हियर दिस इज द वेट ऑफ राइस एंड दिस इज द वेट ऑफ दाल. सो आफ्टर सीइंग ऑल दिस, दिस इज 2 kg. ओके, एंड दिस इज 1 kg. सो दिस इज मोर ना, ये ज़्यादा हुआ ना. सो हियर इन नंबर फर्स्ट यू विल राइट मोर. इसका मतलब क्या हुआ, जो चावल वाला है वो दाल से क्या है, ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मोर लिखोगे. एंड सेकेंड दिस इज दिस आर एप्पल्स एंड दिस आर वाटरमेलन्स. सो नाउ हियर द वेट इज 1 kg. ओके, एंड हियर आई थिंक 5 kg. ओके, सो लेस और मोर, एप्पल्स आर एप्पल्स वेट्स आर लेस और मोर. लेस ना इससे कम है ना, सो हियर विल राइट लेस. वेट ऑफ एप्पल्स इज लेस देन द वेट ऑफ वाटरमेलन्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 5 ऑब्जेक्ट्स दैट वेज मोर देन 1 kg. क्लास हियर इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट 5 ऑब्जेक्ट्स. ओके, हुज वेट इज मोर देन 1 kg. कुछ ऐसे सामानों के नाम लिखने हैं जिसका जो वेट है ना 1 kg से ज़्यादा होता है. सो यू कैन राइट चेयर, अलमीरा, ड्रम, टेबल और बेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 ऑब्जेक्ट्स दैट वेज अबाउट 1 kg. नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट 3 ऑब्जेक्ट्स नेम विच वेट्स आर अराउंड 1 kg. ओके, लाइक अ पाइनएप्पल, अ बास्केटबॉल और अ डिक्शनरी. नेक्स्ट नेम 3 ऑब्जेक्ट्स दैट वेज लेस देन 1 kg. ओके, हियर इन दिस क्वेश्चन you have to write 3 objects name whose weight is less than 1 kg, 1 kilo se kam ho, like pen, pencil, eraser. Okay, next question is how much more needs to be added to the following to make each weight equal to 1 kg 1000 gram.
okay. So class, here in this question you have to write down the measurement, that how much we add to make 1 kg. Okay, here the first is 1 kg is equal to 1000 gram. So the first is 500 gram plus 500 gram. Okay, 5 plus 5, 10. 500 gram plus 500 gram, then it is equal to 1 kg. Next, 800 gram plus 200 gram, then is equal to 1 kg. Next, 700 gram plus 300 gram, then it is equal to 1 kg. Clear how to do this question? Next is question number 8. How much should be subtracted? Now here in this question we have to subtract it, okay, from 1 kg 1000 gram to get the following weights. Here in this question we will add, and here in this question we will minus or subtract. Okay, so the first is 1 kg minus 700 gram is equal to 300 gram. Okay, next 1 kg minus 500 gram is equal to 500 gram. Next is 1 kg is minus 200 gram is equal to 800 gram. Clear? Next is question number 9. First is, how many 500 gram make 1 kg? अगर हमको 1 किलो करना है तो 500 ग्राम के कितना लेंगे कि तो वो 1 किलो के बराबर होगा? 2 ना, 5 2 जा 10, तो 2 लेंगे ना तब वो 1 किलो के बराबर होगा. नेक्स्ट इज, हाउ मैनी 200 ग्राम मेक 1 किलोग्राम? ओके, सो 200 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 5, देन इट विल बी 1000. 200 ग्राम के 5 होंगे तब ना वो 1000 होगा, सो हियर यू विल राइट 5. नेक्स्ट, हाउ मैनी 1000 ग्राम मेक 1 केजी? अब 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का, ठीक, हमको 1000 ग्राम तक चाहिए, तो 100 टेन जै 1000 ना, सो हियर विल राइट 10. नेक्स्ट, हाउ मैनी 50 ग्राम्स मेक 1 केजी? अब 50 ग्राम है, ओके, हमको 1000 तक जाना है, तो 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 1000. ओके, सो हियर विल राइट 20. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. सर्कल द वेट्स दैट यू वुड नीड टू वेट दीज आइटम्स. नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स, ओके, विद देयर मेजरमेंट वी हैव टू चूज द वेट. ओके, अब हमको ये जो बुक है, ठीक, इस बुक का वेट कितना? 850 ग्राम है. अब यहाँ पे हमको चूज करने हैं सारे बटखरों में से, वेट में से 850 ग्राम हो जाए, सो हियर यू विल चूज दिस वेट. ओके, नेक्स्ट, देयर सम वेजिटेबल्स वेट इज 2 किलोग्राम 150 ग्राम, सो यू हैव टू चूज ऑल दिस वेट्स. ओके, क्लियर हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? सो क्लास, today I stop this chapter here. We'll continue the next topic in our next class. Hope you all understood very well about the measurement of mass or weight. Okay, so class, it's enough for the day. Thank you.